नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जी हां, उद्धव ठाकरे कल तक जो शिवसेना और बाला साहेब के असली उत्तराधिकारी बने हुए थे, अचानक ही समय ने ऐसा करवट बदला कि उद्धव के हाथ पूरी तरह से खाली हो गया। न सत्ता रही, न पार्टी रही और न ही विधायकों का समर्थन रहा। हालांकि उद्धव ठाकरे इस कोशिश में थे कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह उन्हें मिल जाए, पर उनके पास वह भी नहीं रहा। आपको बता दें कि शिवसेना में हुई तोड़फोड़ के बाद उद्धव और शिंदे दोनों ही खेमों की ओर से शिवसेना पर अपना अपना दावा किया गया था, जिसके कारण चुनाव आयोग ने दोनों धड़ों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया था। चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना के चुनाव निशान धनुषवान को फ्रीज कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उद्धव की इस याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में कहा था कि वह 30 वर्षों से पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के आदेश की वजह से वह अपने पिता के दिन हुए नाम और चुनाव निशान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के इस फैसले की वजह से पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर विराम लग गया है। कोर्ट में पेश होने के बाद उद्धव के वकील ने कहा था कि मामला बनने तक चुनाव आयोग निशान फ्रीज नहीं कर सकता, लेकिन उद्धव ठाकरे के दलील से हाई कोर्ट पर कोर्ट कोई असर नहीं हुआ। हालांकि कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग चिन्ह और पार्टी का आवंटित करने का कार्य जल्द पूरा कर लेगी। बता दें कि शिवसेना में हुई बगावत के बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ने ही शिवसेना पर अपना दावा किया था। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह धनुषवान को लेकर खींचतान तेज हो गई थी। इसी बीच अंधेरी सीट पर उपचुनाव के चलते चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नया नाम और नया चुनाव निशान जारी कर दिया था। चुनाव आयोग ने तब तक के लिए चुनाव चिन्ह धनुषवान को फ्रीज कर दिया था, लेकिन उपचुनाव संपन्न होने के बाद उद्धव ने शिवसेना के सिंबल पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी। ऐसे में चुनाव आयोग के अगले निर्णय का उद्घाटन ठाकरे और शिंदे समर्थकों को करना पड़ सकता। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रबजी लाइव। धन्यवाद।